हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग कई तरीके के सवाल पूछते हैं, तो इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना बल्कि बहुत आसान तरीके से इसको समझना है। बेसिकली देखा जाए हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल खाने पीने का तो होता ही है, तो यहाँ मैं इन चीज़ों को तो नहीं बताऊँगा क्योंकि जो कैपेबल होता है वो खरीद सकता है। बहुत सारी महंगी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोटीन डाइट हो, कोई सप्लीमेंट हो, तो इनको अगर हम हटा दें, इसकी इस पर बात ना करें, तो उसके अलावा जो हमारे पास चार ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक नेचुरल ऑप्शन है कि विटामिन डी जो धूप से मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हर समय धूप में ही खड़े रहेंगे, जो सुबह की 10 मिनट की धूप हो वो आपको लेनी चाहिए, सफिशियंट है 10 मिनट में। उसके अलावा भी अगर विटामिन डी आपको प्रॉपर मात्रा में चाहिए तो वो ग्रीन लीव्स में सबसे ज़्यादा होता है, तो ग्रीन लीव्स को आपको जरूर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आप इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल आपके हार्मोन से होता है। दूसरा होता है इसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं नहीं कहूँगा कि वो एक्सरसाइज करें क्योंकि उनका वैसे ही बहुत बहुत सारा वर्कआउट है। लेकिन जो लोग बैठने का जिनका बहुत सारा काम है, या फिर दिन भर ऑफिस में बैठे रहना है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें मूवमेंट ही नहीं है बॉडी में, तो उन लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे जॉगिंग हो या फिर कहीं आप किसी वर्कआउट के लिए किसी जिम में जाएं। उसके अलावा जो अब ऑप्शन आते हैं वो है आपका मेंटल स्ट्रेस। अगर किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव है, काम का प्रेशर है, कोई टारगेटेड काम है आपके पास, या फिर किसी भी तरीके का मन पर बोझ या पढ़ाई का या किसी भी तरीके का जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ हो, अगर वो आपको महसूस होता है, लगता है कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ, दबाव में हूँ या मुझ पर प्रेशर है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए और वहाँ जाकर जो मन कक्ष है उसमें जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज अगर स्ट्रेस रहेगा लॉन्ग टर्म तक वो कन्वर्ट हो जाएगा डिप्रेशन में, और डिप्रेशन और स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक रहने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और बंदे को पता ही नहीं चलता कि इसकी वजह से भी हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसके बाद आता है एक अच्छी नींद। अब अच्छी नींद को अगर मैं कहूं कि आप अच्छे से सो जाइए, तो नॉट पॉसिबल कि आप अच्छे से सिर्फ कहने से ही सो जाए। अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो जाहिर सी बात है कि नींद नहीं आएगी। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी टेंशन या फिर जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन की स्थिति है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर मन कक्ष बने हुए हैं। लास्ट में फिर मैं कहूँगा कि एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और जो दिन में खाना बन रहा है अगर घर में ना हुआ खाना ही हम समय पर खा लें तब भी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग दिन में दो बार खाना खाते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप दिन में कम से कम चार बार खाना खाएं। हर बार एक नॉर्मल डाइट जो हमारी होती है उससे थोड़ा सा कम लें, लेकिन चार बार खाएं। तो चार बार अगर आप खाएंगे जिसमें दाल सब्जी रोटी होगी, तो वही आपकी इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकती है। लेकिन दिन में दो बार सिर्फ आप खाना खाएंगे तो फिर नहीं होगी। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के ये जो मेजर इश्यूज थे वो यही हैं, और इन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत जल्दी मैनेज हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये इंप्रूव नहीं हो सकता। वेल, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।